जनाब सवेरे के मेहमान में आपको मैंने बताया था हमारी मुलाकात किससे होने वाली है, किच्चे होने वाली है, चानिया चे और नबीर चे। गुड मॉर्निंग। बच्चों के शो में आपको घर से पता नहीं था बच्चों के शो में क्या है। इनका तो मैं बेबी हूँ। चलो मैं बेबी तो है। हाँ नहीं बेबी तो है लेकिन काफी माशाल्लाह बड़ी बेबी है। मैं चला गया बेबी है। अब बड़ी हो गई है। हाँ मैं वो रिग्रेस कर जाती है हमें देख। हाँ क्या करूँ, वो जो लाडियाँ आती है ना वो जब गार। अभी तो ऑन एयर है तो काफी तमीज से ग्रीट हो। अजीब सी आवाजें निकालती है छोटे मुन्ने जैसी। ये तो चलो बहुत प्यार वाली मेरी टेक हो रही है। जो इधर मेरी टेक होने वाली है उससे जरा प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा, जरा मेरी मदद फरमाइएगा। आपकी इमदादी टीम, इमदादी टीम, रेस्क्यू नाइन वाली। जब ज्यादा नहीं लगेगा तो हल्का सा बेटा हल्का बेटी हॉले। थैंक यू सो मच आप दोनों का। बाकी सुबह सुबह आप लोग आए, आप लोगों को थैंक किया। कैसे आप लोग? जैसे सुबह सुबह लोग आमतौर पे होते हैं और वो क्रैंकी। कैसा चल रहा है आजकल थिएटर चल रहा है और हाउ इज इट गोइंग? जबरदस्त चल रहा है, यूनिक है। मैं अभी नबील को यही बता रही थी कि अपने आप में प्रोजेक्ट थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि वैसे तो फेस्टिवल होता है तो डिफरेंट अलग अलग वो करते हैं लेकिन एक ही डायरेक्टर के तीन बिल्कुल नए प्लेयर्स, बिल्कुल मुख्तलिफ एक दूसरे, बिल्कुल मुख्तलिफ एक दूसरे से और बिल्कुल डिफरेंट टीम्स के साथ। शाहिद शफात नामी जो इंसान है अगर वो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे दुनिया तो सुन रहे हैं, उनको पहुंच जाएगा मेरा मैसेज। उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। ये उसने कल रात को मुझे कहा। हाँ। कि माया से कहना। हाँ। कि मैं बहुत आजकल वो हुआ वो। हाँ। इसको मैंने तो फोन नहीं किया। मुझे कुछ दो महीने पहले एक इंसान ने कहा था तुम थिएटर के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद मैं पेटी बांध के मैं तैयार बैठी हुई हूँ। वो रोल सानिया कर रही है। हाँ वो रोल सानिया। हाय जी, हाय 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 हाय, जरूर अभी इधर निकाल दे रहा हूँ मैंने। अगर सानिया वाले कैरेक्टर्स करूँ मेरे लिए इससे बड़ी जो है ना। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक वो व्हाट मस्ट हैव हैपेंड वाज प्रोबब्ली बिकॉज़ ऑफ माय शो, योर शो। और उसकी जो जिस प्ले में वो तुमको करने के लिए कह रहा था उसकी रिहर्सल सुबह 8 बजे होती है। Oh. वो अभी रिहर्सल पे है इस वक्त। oh. तो अभी रिहर्सल इसीलिए तो वो नहीं आ सकता किसी भी शो पे। I know. Unfortunately, but... हालांकि उसको होना, उसी को होना चाहिए यहाँ पे। हाँ. क्योंकि there is only one mad man that I know who could pull this off. वो यू and that was Shahid Shafat. नहीं बिल्कुल भी नहीं है। वो तीन महीने से इस पे काम कर रहा है। अच्छा. बिल्कुल सुकून से तीनों प्लेस डायरेक्ट किए हैं। 30 एक्टर्स को उसने बयक वक्त ऑलमोस्ट 30 एक्टर्स को उसने डायरेक्ट किया है। एक जंगल स्टोरी है, एक बिल्कुल ये कॉमेडी है मैड, और एक बिल्कुल इंटेंस सीरियस प्ले है। I think it's I only know him who could pull this off. It's so really? much ease. Sabreen and I have planned. Sanam bolo, Sabreen aur maine, hum tino ne plan kiya hai ki hum tino ek saath jayenge. Okay. Haan, aur wo Sanam, mera aur Sabreena ka tha, lekin usne kaha nahi nahi main bhi jaungi, main bhi jaungi, main bhi jaungi. Zarur aana because I think tum log ke aane se ye fark padta hai ki tum log माउथ पीसेज हो ना। हाँ, तो जिन लोगों ने कभी थिएटर नहीं देखा, जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास सबरी ने नहीं देखा, नहीं देखा सबरी कहती आज तक मैं थिएटर नहीं देखा। मैंने कहा यू शुड गो, मतलब दैट्स मतलब आप कितना जाते हैं, आपका ताल्लुक ऑब्वियसली एक उससे ड्रामा इंडस्ट्री से है। नहीं देखा नहीं, कहते मुझे दानिक जाके देखने का शौक है थिएटर में कैसा होता है। मैंने कहा यू शुड गो एंड हैव अ लुक क्योंकि आप जब देखोगे ना, मैंने कहा बड़े आराम से एग्जांपल दे, शायद मैं इतनी एक्सक्यूज मी पुरानी थिएटर की नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि कि आपके टीवी पे जब होते हैं, आई डोंट नो इफ यू वुड अग्री एंड सानिया वुड अग्री और नॉट, जब आप टीवी पे होते हो आपके फेस के जो पोर्स होते हैं एक्सप्रेशन के वो खुलते हैं, जब आप थिएटर में होते हो आपकी ओवरऑल बॉडी के एक्सप्रेशन खुल जाते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एब्सोल्युटली। क्या हो रहा है आजकल नबील, व्हाट्स हैपनिंग एंड प्रोडक्शन? कहां से एक आई बीच में? कॉमेडी एक कर रहा हूँ प्रोड्यूस, एआरवाई पे चल रहा है बुलबुले। ओह अली इमरान ने लिखा है, हमारे दोस्त हमारे दोस्त हमारे आजकल दोस्तों के लिए लिख रहे हैं राणा रिजवान। आजकल दोस्तों के लिए ही लिख रहे हैं। अच्छा ओके। वो एक्चुअली दोस्तों ही के लिए लिखता है, वरना दोस्त वरना दोस्त बना के लिखता है। वो बात अलग है, पूरी इंडस्ट्री उनकी दोस्त है। नहीं या दोस्त बना के लिखता है। हाँ दोस्त बना के लिखता है, ये भी एक अच्छी बात है। कहता है कि मुझसे काम मतलब ऐसी जगह पे होता है, प्यार से करवा लो जो भी करना है। सही बात। तो बुलबुले चल रहा है। और ये दोस्त के साथ क्या सलूक करते हैं बीच में? मुझे सबसे फनी बुलबुले की क्या बात लगती है, प्ले के बीच में कहता है कि ये अली इमरान की लाइन है, कहता है मैं नहीं कह रहा अली इमरान ने लिखी है, बोल भी देता है। नहीं, वो हाँ, नहीं वो लिख भी देता है बीच में, वो ये लिख देता है, लिख भी देता है। और कुछ हम वो भी चीज है ना, वो भी उनके अंदर में कुछ बहुत सुभाष गाई है। हाँ, 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 बी, अपने आप को बीच में और हम भी कुछ ऐड करते रहते हैं ना, कुछ कोई सीन हो तो बार बार कहते हैं कि यार ओहो हर सीन में बेइज्जती अली इमरान।
वो अक्सर वो दिखाया ना वो जो उसमें कैरेक्टर है आयशा वाला, तो वो अक्सर मेरे साथ उसका यही चलता रहता है, मैं अक्सर कहता हूं। अच्छा आपने सानी कितने से आप नबील को जानती हैं अंदाजन? मैं नबील को जानती हूँ कोई 7-8 साल से, तो मैं डेफिनेटली 10-11 साल से ही जानती हूँ। आपको कुछ लगता है इनको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कोई चेंज लाना चाहिए, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है इनके अंदर चेंज होना चाहिए? अचानक से तुमने अजीब सा क्वेश्चन कर दिया सानिया। न्यूज़ चैनल में कभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी को कहे कि तुमको अपने अंदर ये तब्दीली लानी चाहिए। सुबह सुबह उठा करो, से आपने मुझे अडॉप्ट किया हुआ आज तक कभी नहीं कहा ना। हाँ मैं ऑफिशियली अडॉप्टेड हूँ बाय द वे सानिया, और शायद चपाते मुझे अडॉप्ट किया हुआ है, ये ऑफिशियली अडॉप्टेड हूँ मैं। हाँ लेकिन क्यों मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, सिर्फ ये कि मुझे सिर्फ अगर किसी से कोई मसला होता है तो सिर्फ डिसिप्लिन या काम का मसला होता है। काम का मसला, और लेकिन और जो मेरा अपना बहुत बड़ा मसला है डिसिप्लिन का, बहुत कमिटमेंट का। इनडिसिप्लिन आदमी हूँ तो मतलब मैं डंडी मारती हूँ काफ़ी डिसिप्लिन में, शद्दी नहीं मारता कभी भी, नेवर। लेकिन नबील मुझे लगता है इस इंडस्ट्री के लिए ना बहुत डोसाइल इंसान है, इसको थोड़ा सा अग्रेसिव होना चाहिए था, क्योंकि जितना ये टैलेंटेड था, मतलब मैं भी जैसे उस तरह अग्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन आई वाज जस्ट लकी कि मैं अपना काम बड़े अग्रेशन से करती हूँ। बट इसकी डायरेक्शन में भी मैंने काम किया है, और मैं उसको पूरे सीरियल में कहती रही, मैंने कहा भाई तुम बहुत शरीफ आदमी, बहुत शरीफ आदमी, मैं यही कह रही थी, बहुत शरीफ आदमी है। मैं यही कह रही थी कि आपको कभी ना कभी, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बोल लेते हैं, ठीक है, हम लोग शायद फ्रंट पे जाके लड़ना शुरू नहीं करते, गुस्सा तो कर लेते हैं, इजहार तो कर देते हैं, ये बहुत अभी भी चुप करके बैठे हुए, इतने ज्यादा मासूम इंसान मैंने, लेकिन इसकी अच्छी बात है, मैं तुम्हें बताऊं, ये अगर इतने साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद अगर ये इसे बचा पाया है अपनी इस मासूमियत को, तो ये इसका क्रेडिट है। इसको नहीं, इसको तब्दील करना चाहिए, आई थिंक इट्स रेयर। हाय मेरा पुत्र सोना हो गया हूं मैं, तुम्हें आदत नहीं है ना कि मैं इतनी तारीफ करूं, इसलिए बस हमने थोड़ा थोड़ा शेयर मार लिया था जो उन्होंने पैसे दिए थे, और मेरा लिफाफा फौरन, यस बच राइट अवे। और हमने आवाम से पूछा कि नबील को अपने अंदर क्या चीज लाना चाहिए, जस्ट जस्ट आप फीडबैक देखते हैं आवाम क्या सोचती है, दिखाइए जी हमें, दिखाइए। अच्छा आवाम से अच्छे ही है, क्या लाना? नबील के सर पे बाल कम है, उसको बाल लगवा लेने चाहिए। अब क्या लाएंगे चेंज, कब से तो ड्रामों में आ रहे हैं, अब क्या अच्छे हैं वैसे ही सही हैं, जैसे हैं वैसे ही सही हैं। अपनी शख्सियत को निखारने के लिए अपने अखलाक को बुलंद करें, सही है, बस थोड़ी और सही करनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी। अब ये चेंज लाना चाहिए कि वो अब हट जाएं, ड्रामे ना करें, बहुत एज हो गई है उनकी, बहुत कुछ। उनको अपना बोलने का स्टाइल बदल लेना चाहिए प्लीज़। आई थिंक आजकल वो ज़्यादा कॉमेडी कर रहे हैं, उनको जो है सीरियस एक्टिंग की तरफ दोबारा आना चाहिए, वो कॉमेडी एक्टिंग में ज़्यादा सूट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा और बोल्डनेस होनी चाहिए। Different people, different feedbacks. हाँ वो होता ही है कि जब आप 5 प्ले आपके चल रहे हों तो लोग कहते हैं यार आजकल नजर नहीं आ रहा। अच्छा और जब कुछ भी ना चल रहा हो तो कहते हैं आप बहुत आ रहे हैं। ये भी होता है, ये भी होता है mostly। और दूसरे एक ये भी है कि आई थिंक हमारे लोग बहुत रैंडम कॉमेंट भी करते हैं, क्या उनको ये कर लेना चाहिए। हाँ कर लेना चाहिए क्यों, मतलब आप ही को ऐसा फीडबैक ऐसा लगा कुछ कमेंट्स जिसमें आपको कुछ कहना है और एनीथिंग दैट यू फील लाइक? कुछ भी मेरे ख्याल बाल तो कम नहीं है नबील के। हाँ हम गलत वहाँ पे देख रहे थे, हम यहाँ पढ़ के देख रहे थे, बाल का तो बहुत छोटे, बीच में एक जो मैं कराए हुए थे बहुत छोटे, इसलिए हो रहा होगा। लेकिन वो एक मुझे जो समझ में आया जो हम जिस पे मेरा ख्याल है दोनों इत्तेफाक करेंगे कि बोल्ड हो जाए, वो जो हम कुछ लम्बे पहले एक बात कर रहे थे। कम बोले उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। कहने को जरूरी तो कहने को ज्यादा उन लोगों के पास होता है जो खामोश रहते हैं, मेरा ख्याल नहीं, सिर्फ इसमें ये कि बाकी इर्द गिर्द के हमारे लोग इतने ज्यादा वो है ना हाइपर और चक 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 अपने आप को ज्यादा प्रेजेंट करना, अपने आप को वो नहीं है नबील के अंदर। तुम वो नहीं देखो सानिया, तो मेरा स्टार हो ना, हम दोनों एक जैसे, हम सितारा हैं,